हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 4 प्लानिंग का पार्ट 3 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें आपका लास्ट टॉपिक है कि टाइप्स ऑफ प्लान क्या होते हैं। प्लानिंग के बारे में इंट्रोडक्शन हम लोग आपको बता चुके हैं, उसके प्रोसेस, उसकी लिमिटेशंस और फीचर के बारे में भी ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ प्लान, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू दी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जो टाइप्स ऑफ प्लान है उनको दो बेसिस पर क्लासिफाई करा गया है। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, और सेकंड है कि उनकी मदद से क्या अचीव करा जाता है, राइट? क्या सीख करा जाता है, क्या अचीव होगा उसके बेसिस पर। तो सबसे पहला हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन के बेसिस पर आप देख सकते हैं कि हमारे प्लान्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है, सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान। जैसा कि इसके नाम से क्लियर हो रहा है, सिंगल यूज प्लान, तो दिस इज अ वन टाइम यूज प्लान, यानी एक बार आपने ये प्लान बनाया, एक पर्टिकुलर सिचुएशन को सूट करता हुआ ही ये प्लान होगा। जैसे ही वो सिचुएशन या पर्पस या प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो आपको नई सिचुएशन के लिए नया प्लान बनाना पड़ेगा, राइट? तो इट्स अ वन टाइम यूज प्लान और इसमें नॉन रिपीटेटिव सिचुएशन होती है, उनके लिए आपको ये इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी हर बार आपको नया नया क्रिएट करना पड़ेगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है बजट। आप देख सकते हैं हर साल आपकी गवर्नमेंट आपके लिए एक न्यू बजट लाती है। ऐसा नहीं है कि एक बार बजट पेश कर दिया एक साल के लिए और वो पांच साल तक चलता है, नहीं। चाहे पांच साल तक सेम गवर्नमेंट है पर वो हर साल नया बजट लेकर आती है, बिकॉज हर साल सिचुएशन बदलती है, हर साल जो अर्निंग है, एक्सपेंसिस है, उनमें बदलाव आता है, डिमांड कस्टमर की बदलती है, डिमांड सॉरी उनके वोटर्स की बदलती है। तो बजट बिल्कुल इस तरीके से बिजनेस में भी बजट एक बहुत अच्छा एग्जांपल है सिंगल यूज प्लान का। सेल्स बजट बनता है, प्रोडक्शन बजट बनता है, तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए बनता है, उसे दोबारा दोबारा इस्तेमाल नहीं करा जा सकता, राइट? प्रोग्राम एग्जाम्पल है इसका, प्रोजेक्ट एग्जाम्पल है। तो बेसिकली सिंगल यूज प्लान वो प्लान होते हैं जो न्यू और नॉन रिपीटेटिव सिचुएशन को डील करने के लिए बनाए जाते हैं, जिन्हें आप एक बार इस्तेमाल करेंगे तो आप दूसरी बार उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं लॉन्ग पीरियड के लिए। ये जनरली डे, वीक या मंथ के लिए हो सकते हैं, राइट? इसी के अपोजिट में, अगर हमें सिंगल यूज प्लान क्लियर है तो इसी का अपोजिट है स्टैंडिंग प्लान, जो कि ओवर एंड ओवर अगेन यूज किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा प्लान है जिसे आपने एक बार बना लिया तो ऐसी सिचुएशंस बार बार ऑर्गेनाइजेशन में अराइज होती हैं और उन्हें एग्जैक्टली सेम मैनर में इस्तेमाल करा जा सकता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपके पास रूल्स। अगर हम रूल्स की बात करें तो रूल्स एक ही बार ऑर्गेनाइजेशन में बना दिए जाते हैं और लंबे समय तक उन्हीं रूल्स पर ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है। ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें, थोड़ा सा इसको लेकर कंफ्यूजन है। कई बुक्स के ऑथर्स इसको सिंगल यूज सॉरी स्टैंडिंग प्लान में कहते हैं और कई लोग ये कहते हैं कि ना तो ये सिंगल यूज है ना ही स्टैंडिंग है। तो इसे याद रखिएगा, थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्सी में है कहीं ना कहीं। रूल्स की बात करें, प्रोसीजर्स की बात करें, मेथड बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो जनरली अगर हम बात करें कि डेप्रिसिएशन ले लेते हैं डियर, डेप्रिसिएशन के मेथड होते हैं आपके पास SLM यानी स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड। तो ऑर्गेनाइजेशन एक बार उस मेथड को ले लेती है तो ऐसा नहीं होता कि हर साल ऑर्गेनाइजेशन मेथड बदलती है, हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग मेथड बदलता है, नहीं। एक लंबे समय तक वो मेथड कंपनी के पास रहता है। हाँ, 8 से 10 साल के टेन्योर के बाद कंपनी को लगता है कि नहीं SLM नहीं, हमें WDV अपनाना है, तो एक अलग बात है, लेकिन एक लंबे समय तक आप उस प्लान को इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको बहुत जानकर हैरानी होगी कि मेथड इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्लान, रूल इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्लान। तो बेसिकली सिंगल यूज प्लान वो प्लान हुए जो एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए बनाए जाते हैं। जैसे ही वो सिचुएशन, वो ऑब्जेक्ट, वो पर्पस, वो प्रोजेक्ट अकम्प्लिश होता है, वो प्लान भी वहीं पर फिनिश हो जाता है। यानी हर बार नई सिचुएशन के लिए जब आपको नया प्लान बनाना पड़ता है तो उसे हम लोग बुलाते हैं सिंगल यूज प्लान। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो मुझे लगता है वो है बजट। फिर हम बात करते हैं स्टैंडिंग प्लान की। तो ऐसा प्लान जो कि एक ही प्लान आपने बनाया और आप इसे बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल है प्रोसीजर। अब मान लीजिए सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ को अपॉइंट करा जाता है, तो इसका प्रोसीजर फिक्स है ऑर्गेनाइजेशन में और ऐसा है कि जनरली ये बदलाव नहीं करे जाते। इसमें थोड़े बहुत चेंजेस के अलावा बहुत ज्यादा बदलाव नहीं करे जाएंगे। प्रोसीजर होते हैं वो स्टेप्स, तो वो स्टेप्स वहीं के वहीं रहेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ये आपके पास कुछ समय के लिए लागू होता है और ये अगर हम बात करें तो एक लंबे समय के लिए आपके पास काम आ जाते हैं ये वाले प्लान। अब हमारा दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ प्लान सीक्स टू अचीव। तो क्या एक प्लान अचीव करता है उसके बेसिस पर प्लान्स को हमने क्लासिफाई करा है। इसमें हम 6-7 तरीके के प्लान डिस्कस करेंगे और जिनके बारे में कीवर्ड आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आपको ये प्लान्स जो होते हैं डियर पहचानने होते हैं, राइट? तो सबसे पहला प्लान है हमारे पास ऑब्जेक्टिव। इसका जो कीवर्ड है वो है एंड रिजल्ट। तो की क्या है?
कि वो पॉइंट होती है जिससे आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है वो एंड पॉइंट जहां पर ऑर्गेनाइजेशन को पहुंचना है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है बेसिकली? जो एंड रिजल्ट आप अचीव करना चाहते हो, राइट? जैसे एग्जांपल लेके समझ सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि इस साल आपको अपने कैपिटल एम्प्लॉयड का 10% प्रॉफिट हो जाए, तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव कि आपको 10% प्रॉफिट चाहिए। या फिर आप चाहते हैं कि आपकी सेल्स जो है इस साल की सेल 20% से इंक्रीज हो जाए। तो ये कुछ एग्जांपल हैं जो कि ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करते हैं, ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव वो एंड रिजल्ट है जो आप चाहते हैं। जैसे आप 12th क्लास में है तो आपका एक ऑब्जेक्टिव है, एंड रिजल्ट आप चाहते हैं कि आपकी परसेंटेज 92-95% के बीच में आ जाए। तो दिस इज योर ऑब्जेक्टिव जो आपने सेट किया है, जो आपका एंड रिजल्ट आप चाहते हैं आपकी परफॉर्मेंस से, राइट? इट इज जर्नली सेटअप बाय द टॉप मैनेजमेंट। इसे इस तरीके से इसलिए लिखा गया कि आप पैराग्राफ में लिखेंगे तो आप चीजें याद नहीं रख पाएंगे। तो एंड रिजल्ट, की पॉइंट सबसे पहली बात, दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं आप इसके अंदर, तीसरा ऑब्जेक्टिव्स आर जर्नली सेट बाय द टॉप मैनेजमेंट। तीसरी एक इंपॉर्टेंट चीज अगर समझिए तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का कुछ पर्पस होता है। मिशन को आप पर्पस के तौर पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक मिशन होता है, उस मिशन को अचीव करने के लिए कंपनी क्या तय करती है? अपना ऑब्जेक्टिव, राइट? तो मिशन से आपका ऑब्जेक्टिव डिराइव होता है। प्लान्स की भी एक हायरार्की है जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये सारे प्लान कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आप देखेंगे कि मिशन से ऑब्जेक्टिव आया, ऑब्जेक्टिव से स्ट्रैटेजी डिराइव होती है, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सॉरी स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। तो ये एक लिंक में आपके पास है। दूसरा जो आपके पास प्लान है वो है स्ट्रैटेजी। बहुत बार सुना होगा आपने स्ट्रैटेजी, लेकिन डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए की वर्ड है डियर, इट इज अ कॉम्प्रीहेंसिव प्लान टू अचीव दी ऑब्जेक्टिव। तो आपने ऑब्जेक्टिव तो तय कर लिया कि आपको 10% प्रॉफिट चाहिए, या आप अपनी सेल को 20% इंक्रीज करना चाहते हैं, या आप अपनी परफॉर्मेंस 90% चाहते हैं या 85% चाहते हैं। तो टारगेट तो आपने तय कर लिया, ऑब्जेक्टिव तो आपने तय कर लिया, लेकिन उसको अचीव करने के लिए वी नीड अ कॉम्प्रीहेंसिव प्लान। और वो कॉम्प्रीहेंसिव प्लान कौन सा होगा, वो डिटेल्ड प्लान कौन सा होगा, उसी प्लान को हमने यहां नाम दिया है स्ट्रैटेजी का। तो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि मिशन यानी पर्पस से डिराइव होता है ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश करने के लिए कॉम्प्रीहेंसिव प्लान बनाया जाता है जिसका नाम क्या है, स्ट्रैटेजी। इसे आप दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि यह कंपनी का यानी बिजनेस का एक तरीके का ब्लू प्रिंट होता है जो उनको अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद करता है। ये हमारे दो प्लान्स हो गए। और भी इसके बारे में क्या कह सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर हम स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करें तो ये आपकी कंपनी का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करती है, राइट? तो अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि फ्लिपकार्ट यूज करता है सीओडी, सीओडी मींस कैश ऑन डिलीवरी, तो इट्स अ स्ट्रैटेजी फॉलोड बाय दैट बिजनेस, राइट? तो बहुत जरूरी चीज ये है कि जब आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं, स्ट्रैटेजी का दूसरा नाम क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाते हैं, तो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाते वक्त बिजनेस एनवायरमेंट को एनालाइज जरूर करना है, यानी स्वॉट एनालिसिस करना है, अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, राइट? तो सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव हमने डिस्कस करा, दैट इज एंड रिजल्ट, ठीक है, न्यूमेरिकल टर्म्स में होना चाहिए ऑब्जेक्टिव और अचीवेबल होने चाहिए ऑब्जेक्टिव, इस बात को ध्यान रखिएगा। सेकंड हमने बात करी स्ट्रैटेजी की, तो जो स्ट्रैटेजी है वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनाई जाती है, और स्ट्रैटेजी कुछ और नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जो आपके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद करती है, ये ब्लू प्रिंट है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का। तो एग्जाम्पल हमने दिए जैसे फ्लिपकार्ट सीओडी फॉलो करता है, ये स्ट्रैटेजी हो गई। और आप एक एग्जाम्पल नंबर टू देख सकते हैं, जो स्कूल है वो अपने स्टूडेंट्स में, अपने बच्चों में लर्निंग प्रोसेस एनहांस करने के लिए ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल कर रहा है। तो दिस इज अ स्ट्रैटेजी कि ऑब्जेक्टिव है स्कूल का कि हमारे स्टूडेंट्स की लर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाए। उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई कि हम ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू बच्चों को पढ़ाएंगे, राइट? इसी तरीके से स्ट्रैटेजी में यह भी डिसीजन लिया जाता है कि आप एडवर्टाइजमेंट के लिए कौन सा चैनल इस्तेमाल करेंगे, यानी आप पर्सन सेलिंग के लिए जाएंगे या पब्लिक रिलेशन के लिए जाएंगे। तो चॉइस ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रैटेजी। तो आई होप स्ट्रैटेजी आपको क्लियर हो गई हो। थर्ड इंपॉर्टेंट प्लान है हमारे पास पॉलिसी। तो अगर हम ऑब्जेक्टिव और स्ट्रैटेजी की बात करें तो ये सिंगल यूज है या स्टैंडिंग प्लान है, तो अलग अलग ऑथर का डियर इसमें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो रखा है आपके पास, राइट? तो इसको लेकर आप प्रॉपर नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये सिंगल यूज भी हो सकती है या आपके पास स्टैंडिंग भी हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन दी ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन और सिचुएशन टू सिचुएशन, राइट? तो जो भी आपको वो उसका पॉइंट देगा, उसके पास उसका कोई ना कोई व्यू जरूर होगा कि ये क्या चीज है। अब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं, थर्ड प्लान है हमारे पास पॉलिसी। पॉलिसी को आप डेफिनेटली क्या बोल सकते हैं, स्टैंडिंग प्लान बोल सकते हैं। जनरली कंपनी की पॉलिसीज जो होती है, बिजनेस की पॉलिसी, आपने ऐसा वर्ड सुना होगा, वो फिक्स रहती है। ऐसा नहीं होता कि आपको हर दूसरे दिन एक नई पॉलिसी कंपनी में लेकर आनी है। तो पॉलिसी के लिए कीवर्ड क्या है, ये एक तरीके की जर्नल गाइडलाइंस होती है।
गाइडलाइंस, मतलब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो कैसे अप्रोच करना है, क्या करना है क्या नहीं करना, तो वो आपको कौन मदद करेगा समझने में? पॉलिसी आपकी मदद करेगी, ठीक है ना। तो इट इज अ जनरल रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, राइट। जनरल रिस्पॉन्स है, सबको पता है कि यही कंपनी की पॉलिसी है। ये किसी भी लेवल पे बनाई जा सकती है पॉलिसी, ऐसा नहीं है कि टॉप लेवल बनाएगा या मिडिल लेवल बनाएगा, इट इज मेड एट एवरी लेवल। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि किसी स्कूल में ये पॉलिसी है कि सिर्फ उन्हीं बच्चों को साइंस में यानी मेडिकल में एडमिशन दिया जाता है जिनकी परसेंटेज 60% से अबव है। तो दिस इज द पॉलिसी ऑफ दैट स्कूल, राइट। तो ये पॉलिसी जनरली आप देखेंगे कि सेम रहती है, ऐसा नहीं होता कि हर साल ये पॉलिसी बदलती रहती है। तो पॉलिसी बेसिकली जनरल गाइडलाइंस और एक जनरल रिस्पॉन्स है एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेकर। जैसे आप और एग्जांपल दे सकते हैं, नो क्रेडिट पॉलिसी। तो कई कंपनीज ऐसी होती हैं जो बिल्कुल उधार पे आपको माल नहीं बेचती, तो दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ पॉलिसी। फिर हमने सबसे पहले बात करी थी कि ऑब्जेक्टिव की। तो मिशन यानी पर्पस से ऑब्जेक्टिव डिराइव होता है। ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश करने के लिए आप कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाते हैं, जिसे हम लोग स्ट्रैटेजी बोलते हैं, और उस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए पॉलिसी क्या करती है, गाइडलाइंस के तौर पर काम करती है, राइट। तो आप देख सकते हैं एक हायरार्की आपके पास बन रही है। उसके बाद हम बात करते हैं मेथड की। तो मेथड को अगर हमें कीवर्ड देना है तो हम कह सकते हैं अ सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग अ रेपिटेटिव टास्क। तो किसी भी एक ऐसे काम को करने के लिए जो बार बार करा जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको करने का एक प्रिस्क्राइब्ड वे जो है, तरीका जो है, पहले से तैयार तरीका जो है, उसको हम क्या बुलाते हैं, मेथड बुलाते हैं, राइट। तो मेथड इज अ प्रिस्क्राइब्ड वे और मैनर इन विच टास्क हैज टू बी परफॉर्म्ड, राइट। जैसे अगर हम बात करें डेप्रिसिएशन निकालने के, हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, SLM मेथड है, WDV मेथड है, या इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप ये भी ले सकते हैं कि आपके पास शायद आप लोगों को अभी 12th क्लास में नहीं पता, लेकिन स्टॉक का जो वैल्यूएशन होता है डियर, उसके मेथड्स होते हैं। FIFO होता है यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और एक LIFO होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें क्या होता है, जो पहले आता है वो पहले निकाला जाता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और इसमें जो स्टॉक है वो जो लास्ट में आता है उसको पहले निकाला जाता है। तो बेसिकली दीज आर मेथड्स, और ये मेथड आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशंस और सब चीजों को देखकर ही डिसाइड करते हैं कि कौन सा मेथड सुटेबल होगा। और अगर आप करेक्ट मेथड चूज करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सुटेबिलिटी के हिसाब से, तो आपका टाइम भी बचाता है और आपके लिए जो एफिशिएंट यानी लेस कॉस्टली भी रहता है। तो हमारे पास चार प्लान हो गए, मेथड को आप स्टैंडिंग प्लान की कैटेगरी में डाल सकते हैं। फिफ्थ वन इज वेरी इजी, प्रोसीजर। प्रोसीजर को भी आप स्टैंडिंग प्लान बोल सकते हैं। एक बार किसी चीज का प्रोसीजर यानी स्टेप्स डिसाइड कर लिए जाते हैं तो जनरली वही स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। तो प्रोसीजर का क्या मतलब है, सीरीज ऑफ स्पेसिफिक स्टेप्स टू कैरी आउट दी एक्टिविटी, मोस्टली इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब एक ऑर्डर टाइमली इसमें तय होता है कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, तो वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपके पास बताया जाता है प्रोसीजर को। ये किस लिए फ्रेम करे जाते हैं प्रोसीजर्स, ताकि पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जा सके। तो आप देख सकते हैं पॉलिसी के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोसीजर। स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए आप लोग पॉलिसी लेकर आए, और पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या लेकर आया गया, प्रोसीजर लेकर आया गया। जैसे एक एग्जांपल हो सकता है प्रोसीजर का कि किस तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ को अपॉइंट करा जाता है, सेलेक्ट करा जाता है। तो उसका एक प्रोसीजर है कि पहले उसका क्या कहते हैं रिटर्न टेस्ट होगा, फिर उसके पास उसका सेकेंड जो है ओरल टेस्ट होगा, फिर उसका मेडिकल चेकअप होगा, फिर उसके बाद। तो इस तरीके से आपके एक स्टेप प्रिस्क्राइब है, और उसी वे में ही आप उस स्टाफ को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। तो प्रोसीजर बेसिकली स्टेप्स होते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को कैसे अकम्प्लिश करना है उसके लिए एक सीरीज मेंटेन करते हैं। उसके बाद आता है डियर बजट। बजट आप लोगों को पता है, हमने डिस्कस करा, एक सिंगल यूज प्लान है, आपको हर बार एक नया बजट बनाना पड़ेगा। लेकिन क्या की वर्ड हो जिससे बजट याद हो जाए या बजट की डेफिनेशन लिखी जा सके, तो वो है आपके पास एक्सपेक्टेड रिजल्ट। एक बात याद रखिएगा, जो गवर्नमेंट बजट लेकर आती है वो साल के शुरू में लेकर आती है, उसके अंदर एक्सपेक्टेड रिसिप्ट होती हैं और एक्सपेक्टेड ही एक्सपेंडिचर होते हैं गवर्नमेंट के। तो कोई भी बजट जो होता है वो ऑलरेडी एक अजम्पशन पे काम करता है, एक्सपेक्टेशन पे काम करता है। जब एक्चुअल होगा तो हम देखेंगे कि बजट से हम कितना डेविएट करें। तो बजट में खास बात है कि वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट, मतलब जो आपके खर्चे होने वाले हैं, जो आपकी इनकम होने वाली है, उसके बारे में ये लिखता है। आप जैसे सेल्स बजट है, तो सेल्स बजट में आप ये लिखेंगे पुरानी सेल्स को देखकर कि आपकी इन पर्टिकुलर मंथ्स में क्या क्या सेल होगी, तो वो सेल्स बजट होगा, राइट। जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हैं बजट का, एक कंपनी प्लान कर रही है टू स्पेंड अबाउट 75 करोड़ ऑन एडवर्टाइजमेंट इन द कमिंग ईयर। तो दिस इज एक्सपेक्टेड कि 75,000 करोड़ रुपए का खर्चा शायद पड़ जाएगा कंपनी को अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। तो दिस इज द एडवर्टाइजमेंट बजट, राइट।
ये आपके पास किसी भी लेवल पे बनाया जा सकता है, इट इज प्रिपेयर्ड एट एवरी लेवल। उसके बाद हमारे पास सेवंथ प्लान आता है, दैट इज रूल। रूल को आप स्टैंडिंग प्लान कह सकते हैं। जनरली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्टिकुलर रूल बन जाता है तो वो रूल काफी लंबे समय तक रहता है। ऐसा नहीं होता कि रूल एक महीने के लिए बनाया जाता है या एक दिन के लिए बनाया जाता है, ये जनरली आपके पास लॉन्ग लास्टिंग होता है। अगर हम रूल को डिफाइन करें एक सिंगल वर्ड में तो आप कह सकते हैं स्पेसिफिक स्टेटमेंट। स्पेसिफिक स्टेटमेंट, वहां पे कोई बदलाव नहीं है, यानी वो फ्लेक्सिबल नहीं है। स्पेसिफिकली आपको क्लियर कर दिया, नो स्मोकिंग मींस नो स्मोकिंग, नो पार्किंग मींस नो पार्किंग। वहां पे कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि नो पार्किंग में आपको कारें बना करी होंगी, स्कूटी लगा सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अब नो स्मोकिंग का मतलब ये है कि आप हुक्का पी सकते हो लेकिन आप सिगरेट नहीं पी सकते, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आपको कुछ डिराइव नहीं करना, बहुत स्पेसिफिक है, नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ। तो रूल्स आर बेसिकली स्पेसिफिक स्टेटमेंट विच स्टेट्स विच एक्टिविटीज आर अलाउड इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड विच एक्टिविटीज आर डिडंट अलाउड इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपको डूज और डू नोट्स आपको क्लियर करते हैं, क्या चीज अलाउड है क्या चीज अलाउड नहीं है। और रूल्स आर रिजिड, दे आर नॉट फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू द पीपल। पॉलिसी और रूल में जो सबसे बड़ा फर्क है, पॉलिसी में थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी लेकिन रूल बिल्कुल स्पेसिफिक होते हैं और ये चेंज नहीं होते किसी भी पर्सन के लिए, सबके लिए, सब चाहे वो किसी भी लेवल पर है, उन सबके लिए वो रूल क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। जैसे एग्जांपल हमने दिया, नो स्मोकिंग हो गया आपके पास, ठीक है ना। और आपके पास एक खास बात होती है रूल को पहचानने की, कि अगर रूल्स जो चीजें आपको बताई गई आप उन्हें फॉलो नहीं करते तो आपको पेनल्टी जो है इम्पोज कर दी जाती है। जैसे एक एग्जांपल और ले सकते हैं, किसी प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन में फैक्ट्री में आने के लिए बहुत जरूरी है कि आपने ग्लव कैप और एप्रन पहना होना चाहिए, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो 100 रुपीज पेनल्टी आपको लगेगी। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रूल, क्योंकि यहां पर आपके ऊपर पेनल्टी इम्पोज करी जा रही है। तो रूल में एक खास बात होती है कि स्ट्रिक्ट ओबीडियंस आपसे मांगा जाता है, और अगर आप उसे फॉलो नहीं करते हैं, उसको वॉयलेशन करते हैं, तो आप पे पेनल्टी इम्पोज करी जाएगी। और खास बात यह होती है कि रूल मदद करता है ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन को बनाए रखने के लिए, राइट। लास्ट आपके पास प्लान है प्रोग्राम। तो इसे बड़े सिंपल शब्दों में आप याद रख सकते हैं, जितने भी आपने प्लान पढ़े हैं उन सभी का कॉम्बिनेशन आपके पास क्या है, प्रोग्राम है। दैट मींस इट इज अ डिटेल स्टेटमेंट अबाउट द प्रोजेक्ट, जिसमें प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव, प्रोजेक्ट के प्रोसीजर, उसके रूल्स और उसकी पॉलिसीज, मेथड, सब चीजों के कॉम्बिनेशन से आपके पास क्या बनकर आता है, प्रोग्राम बनकर आता है। तो आप प्रोग्राम के बारे में दो बातें लिख सकते हैं, तीन बातें लिख सकते हैं। पहली बात तो ये इन सबका कॉम्बिनेशन होता है, तीसरी बात ये एक डिटेल स्टेटमेंट होती है, सॉरी दूसरी बात ये एक डिटेल स्टेटमेंट होती है, और तीसरी बात ये एक सिंगल यूज प्लान है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग योर क्लासेस।